डिस्कस करेंगे अयोध्या नेशनल पार्क के बारे में कि अयोध्या नेशनल पार्क ने कितना एरिया कवर किया हुआ है, ये स्मॉलेस्ट पार्क है या लार्जेस्ट पार्क है, और किस लिए ये पार्क बिल्डअप किया गया था, ये हमने सारी चीज़ें इस पार्क के बारे में डिस्कस करनी है। अब अयोध्या जो नेशनल पार्क है ये स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है, ये कहाँ पाए जाते हैं, मरी हिल्स में, विद एन एरिया ऑफ 3312 हेक्टर। मतलब अब इसके स्पेस एरिया इसने कितना कवर किया हुआ है, 3312, बहुत थोड़ा एरिया कवर किया हुआ है, जितने हमने एरियाज आगे पढ़े हैं ये उसके हिसाब से तो बहुत स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। इट कंसिस्ट एंटायरली ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट इंक्लूडिंग पाइन फॉरेस्ट कवरिंग द हिल्स एंड प्रोवाइडिंग शेल्टर। इन्होंने कवर किया होता है हिल्स को और ये प्रोवाइड करते हैं शेल्टर, किस लिए करते हैं, टू लार्जर एंड स्मॉलर मैमल्स के लिए। इसके अलावा जो ये पार्क है ये इस्टेब्लिश हुआ था प्रोवाइड रिफ्यूज टू अ लियोपार्ड एंड ब्लैक बियर। जो अयोध्या नेशनल पार्क है इज़ अ मेजर रिक्रिएशन एरिया विजिटेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ लोकल टूरिस्ट मोस्टली फ्रॉम इस्लामाबाद एंड एबटाबाद। मतलब ये एक रिक्रिएशन एरिया है जहाँ पे बहुत सारे इलाकों से टूरिस्ट आते हैं विजिट करने के लिए। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी वाइल्ड लाइफ के बारे में कि इसमें कौन कौन से मैमल्स पाए जाते हैं। मैमल्स में आ जाएंगे हमारे पास एसेटिक लियोपार्ड, येलो थ्रेटेड मार्टन, रेड फ्लाइंग स्क्विरल, हिमालयन पाम सिवर्ट एंड रेसिस मैकाक्यू। तो हमारे पास इसमें येलो थ्रेटेड मार्टिन है, ये वाली स्पीशीज जो आपको इंडिकेट करी है येलो, ये आप देखें इसका थ्रेट भी येलो टाइप है, तो येलो इसके नेम में फिर इस हिसाब से रखा गया है येलो थ्रेटेड मार्टिन। नेक्स्ट है हमारे पास ये रेडिश शेप की कुछ आपको नज़र आ रही होगी, इसका नेम है रेड फ्लाइंग स्क्विरल। अब जो ये वाला है पूरा हमारे पास है एक, हम इसे कह सकते हैं ग्रे से टाइप का या ब्लैक टाइप का, इससे कहते हैं हिमालयन पाम। ये हमारे पास वो है जो एक मैमल्स है जिसका कलर से उसके मैमल्स के बारे में पता चल रहा है कि ये बहुत से हिमालयस टाइप जो एरियाज होंगे वहाँ पाए जाएंगे। अब जो हमारे पास है नेक्स्ट है बर्ड स्पीशीज, बर्ड्स में आ जाएंगे हमारे पास गोल्डन ईगल, पेरिग्रेन फाल्कन, स्पॉटेड एंड कॉलर्ड डॉव एंड हिल पिजन। ये है हमारे पास हिल पिजन। नेक्स्ट है हमारे पास पेरिग्रेन फाल्कन और ये है हमारे पास गोल्डन ईगल। ये देखें आप इसके जो कलर शेप है उसी से कुछ पता चल रहा है कि इसका नेम क्यों रखा गया गोल्डन ईगल। और जो हमारे पास है हिल पिजन वो तो आपको पता ही है कि जो चोटियों पे पाए जाने वाले हमारे पास पिजन्स होते हैं ना, हिल पिजन्स। नेक्स्ट अब हमने ये वाला जो आप लोगों ने है ना मचेरिया नेशनल पार्क, ये आप लोगों ने अपने कोर्स कंटेंट्स में तो नहीं करना लेकिन इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये कवर करता है एरिया 33438 एकर्स और ये लोकेटेड करता है नीलम वैली में, मुजफ्फराबाद में, आज़ाद कश्मीर में, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1996 में। इट इज़ अ वन ऑफ द फ्यू साइट्स वेयर ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ अ वेस्टर्न ट्रैगोपैन फेजेंट, और ये एग्जिस्ट करता है यहाँ पे जो वेस्टर्न ट्रैगोपैन है ये पाए जाते हैं। इट इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेजेंट इन द वर्ल्ड। ये हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा ट्रैगोपैन फेजेंट, जो वेस्टर्न ट्रैगोपैन फेजेंट है जो यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चित्राल गोल नेशनल पार्क, इसने कितना एरिया कवर किया हुआ है, 7,750 हेक्टर और 90,151 एकर्स, और ये लोकेट करता है कहाँ पे, कफीर क्लाश एंड ब्यूटीफुल गोल वैली। चित्राल गोल सराउंडेड बाय स्नो क्लैड माउंटेन्स एंड पाइन ट्रीज। और यहाँ पे आप लोगों को मैमल स्पीशीज़ में हम डिस्कस करेंगे मार्फोर गोट, सिप्रियन आईबैक्स, लाडक चूरियल एंड ब्लैक बियर। तो आप लोगों को यहाँ पे पता ही लग रहा होगा कि इसमें ब्लैक बियर ये वाली स्पीशीज जो आपको इंडिकेट कर रही है पिक के जरिए वो है हमारे पास ब्लैक बियर। नेक्स्ट अब हमारे पास कंजराब नेशनल पार्क, कंजराब नेशनल पार्क ने जो एरिया कवर किया हुआ है वो है हमारे पास 22226913 हेक्टर
और ये लोकेट कहाँ करता है, काराकोरम हाईवे पे और गिलगित गिलगित बल्तिस्तान में, एट अ हाइट ऑफ ओवर 4000 m नियर द खंजराब पास पाकिस्तान। इसके अलावा ये इस्टेब्लिश हुआ था 1975 में, 1975 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। और इसकी पॉपुलेशन जो मेनली कंजर्व करता है मार्को पोलो शीप वाज डिक्लाइंग एट अलार्मिंग रेट एट दैट टाइम। मतलब ये इस्टेब्लिश हुआ था कौन सी पॉपुलेशन कंजर्व करने के लिए, मार्को पोलो शीप, जो आजकल हमारे पास एक अलार्मिंग रेट है डिक्लाइन होने का। और जो हमारे पास है सॉरी ये इसकी जो खंजराब नेशनल पार्क की जो हाइट है वो है 40,000 meter नियर द खंजराब पास पाकिस्तान। ये मैंने 4000 कर दिया सॉरी, इसके 40,000। सो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1975 में। और इसकी जो पॉपुलेशन है मार्को पोलो शीप वाज डिक्लाइंग एट अलार्म रेट एट दैट टाइम। ये हमारे पास मार्को पोलो शीप। नेक्स्ट अब हमने देखना है वाइल्ड लाइफ खंजराब नेशनल पार्क की कैसी है। इनमें हमने देखना है तिब्बतियन रेड फॉक्स, ब्लू शीप, तिब्बतियन वुल्फ, तिब्बतियन वाइल्ड वाइल्ड डोंकी, अरमाइन, अल्पाइन वेजर, लार्ज एयर पिका एंड केप हेयर। ये आ जाएंगे हमारे पास जो ये वाली स्पीशी है तिब्बतियन रेड फॉक्स, देन हमारे पास है ब्लू शीप, तिब्बतियन वुल्फ और हमारे पास वाइल्ड डोंकी, अरमाइन, अल्पाइन वेसल, लार्ज एयर्ड, ये इसकी एयर्ड शेप देख रहे हैं आप, लार्ज एयर्ड पिकम एंड केप हेयर। ये हमारे पास वाइल्ड लाइफ है खंजराब नेशनल पार्क जो हमने इस अपने पूरे टॉपिक में डिस्कस किए। सो डैट्स ऑल, ये हमारे पास कुछ नेशनल पार्क जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। टॉप हमारे पास 10 जो कुछ नेशनल पार्क्स हैं जो हमने अपने इस लेक्चर्स में डिस्कस किए, उनके हैबिटेट्स के बारे में, कितना एकड़ एरिया उन्होंने कवर अप किया हुआ है और क्यों किया हुआ है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन से है एशिया के हवाले से, पाकिस्तान के नेशनल पार्क कौन से है, सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क पाकिस्तान का कौन सा है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क साउथ एशिया में कौन सा है और स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है। स्मॉलेस्ट जो नेशनल पार्क में अयूबिया नेशनल पार्क आ जाएगा अपने स्पेस एरिया कवर करने के हिसाब से। तो ये आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे पास एशिया का साउथ एशिया के नेशनल पार्क सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है। सो डैट्स ऑल।